हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है और मैं महाराष्ट्र लातूर से हूँ। और मैं आज आपको बताऊंगा, EMMC ऑटो ASP करते समय हमें D0, CMD और क्लॉक, ये तीन पिन की ज़रूरत पड़ती है। और उसको कैसा फाइंड आउट करें ये मैं आज आपको बताऊंगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। डाउनलोड करके मत कीजिए, लिंक शेयर कीजिए यूट्यूब का। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मदरबोर्ड से EMMC IC को हम रिमूव करेंगे। अब रिमूव करने के लिए आपको प्रोफेशनल वर्क करना है तो BGA मशीन से आप रिमूव कर सकते हो, और जिसका जैसा एक्सपीरियंस है तो आप हॉट एयर गन से भी हम IC को निकाल सकते हो। IC निकालने के बाद हम पॉइंट ट्रेस आउट करेंगे। रिक्स आपकी रहेगी कि हॉट एयर से IC निकालने में कभी कभी डैमेज भी होती है, तो केयरफुली उसको थोड़ा ध्यान से आपको निकालना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये NC पॉइंट याद रखना है, क्योंकि IC कैसा फिक्स होती है आपको पता चलेगा कि पिन आउट काटने में इजी जाएगा। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं डेटा ज़ीरो। ये जो पॉइंट है डेटा ज़ीरो पॉइंट है, आपको IC जब निकालेंगे आपको इसके ऊपर दिख जाएगा कि ये ट्रैकिंग में आपको डेटा ज़ीरो यहाँ पे मिलना है। तो NC पॉइंट का आप गौर कीजिए, उसके हिसाब से आपको इजी जाएगा। फिर हम उसको फाइंड आउट करेंगे CMD। CMD की ट्रैक आपको कहाँ मिल रही है वो भी एक बार ध्यान से देखिए। ये पॉइंट है CMD का, आपको इसको भी ट्रेस आउट करना है। इसको ट्रेस आउट करने के बाद में फिर आप तीसरा वाला जो पॉइंट है हमें जो लगने वाला है क्लॉक पॉइंट, तो CL के पॉइंट को हम ट्रेस आउट करेंगे। ये CL के है, जो कि CL के जो अपने को लगता है। उसके बाद में हम आपको PCB पे दिखाऊंगा मैं कि कैसा ट्रेस आउट करते हैं। मैं IC रिमूव कर रहा हूँ अब। दोस्तों, अभी मैं ब्लोर से IC निकाल लूँगा। इसका मैंने टेम्परेचर सेट किया हूँ 340-350 के आसपास। आपके हॉट एयर पे डिपेंड रहेगा कि आपको कितना टेम्परेचर लेना है और एयर कितना लेना है। ओके, ये जो बोर्ड है TPMS338PB801, मैं इसका IC रिमूव कर रहा हूँ और इसका पिन आउट निकाल के आपको दिखाऊंगा कैसा पिन आउट ट्रेस करना है हमें। और ये आई यहाँ पे थोड़ा लाइट चली गई है, अभी इन्वर्टर पे देख रहा हूँ मैं, ट्राई करने की कोशिश IC निकालने की। देखिए, इसको हल्के से इसको गर्म करना है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा IC निकल चुका है। ये देखिए दोस्तों, IC निकल गया है। अब मैं इसको क्लीन करूंगा। हेलो दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये चीज़ करीबन 5-6 साल पहले ही हमने कर दी थी कंप्लीट, जो आज लोग EMMC के लिए काम कर रहे हैं।
आईएसपी बोलो, एडाप्टर बोलो, और मैं और लतीफ़ सर, हमने ये 2015-16 में ही काम किया था। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे एडाप्टर, जो कि फर्स्ट मैंने जो लिया था। ये मेरा फर्स्ट एडाप्टर है, जो कि 2015 में मैंने परचेज किया था। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आया है तो ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ फिलहाल, और जस्ट अभी मार्केट में आपको जो मिलेगा तो इस टाइप में मिलेगा। ये काफ़ी एडवांस है और लेटेस्ट है, ये वाला आईपिक्स का एडाप्टर। ये देखिए दोस्तों, मैंने अब इसको क्लीन किया हूँ, और क्लीन करने के बाद में मैं आपको इसका पिन आउट दिखाऊंगा कि कहाँ से आपको पिन आउट मिलेगा। फर्स्ट मैं आपको ये आईसी को जूम करके दिखाऊंगा। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पे दिखाया था कि आईसी का एक नंबर किधर से स्टार्ट होगा और अपने को पॉइंट कहाँ कहाँ से डीओ क्लॉक सीएमडी के पॉइंट लेना है। ओके, ये देखिए दोस्तों, जस्ट आपको अभी D0 की जो लाइन है वो आपको यहाँ से ट्रेस आउट करना है। आपको ये लाइन के नीचे आएगा D0। ओके, और उसके बाद में आपको CMD का लाइन जो मिलेगा, ट्रैक CMD का ट्रैक, ये वाले पॉइंट के सामने आपको CMD का ट्रैक मिलेगा। ओके, और CMD के बाद में इसके ऊपर वाला जो आता है CLK का ट्रैक मिलेगा। ठीक है, हमें ISP जब रीड करना है तो हमें चार पॉइंट लगेंगे, जो कि ग्राउंड, CLK, CMD और D0, ये पॉइंट आपको देना है। अब मैं आपको इसको पॉइंट इसके चेक करके दिखाता हूँ कि ट्रैक कहाँ पे मिलेगी आपको। मैंने इसको बजर मोड पे रख लिया, ओके। ये देखिए दोस्तों, ये मैं यहाँ पे फर्स्ट D0 की ट्रैक लेता हूँ, और जो अपने को ये रेजिस्टेंस मिलते हैं वो रेजिस्टेंस के हिसाब से मैं उसको चेक कर लूँगा कहाँ पे इसकी ट्रैक गई है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी D0 की ट्रैक आई है, तो मुझे D0 जो मिलेगा यहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको अभी CMD का ट्रैक दिखाता हूँ। CMD जो आएगा आपका यहाँ से आएगा। ये देखिए दोस्तों, CMD मुझे यहाँ पे मिला है। CMD के बाद में मैं फिर चेक करूँगा, अभी CLK चेक करूँगा। CLK इसके ऊपर वाला पॉइंट है, जो कि ये CMD के ऊपर CLK आएगा, तो CLK मुझे चेक करना है। ओके, इस टाइप में आपको पूरे पॉइंट ट्रेस आउट करना है, जो भी आप EMC कर रहे हो। और हेलो दोस्तों, मेरा प्रैक्टिकल वर्कशॉप चलते रहता है, आप ज्वाइन होना चाहते हो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो।